वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, उसका एक और पार्ट जिसमें हम कवर करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए पिछले टर्म पे हमने कवर किया था ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि क्या होती है ग्रेविटी, क्या होता है ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन। ओके, तो जैसा कि पहले हम देख लेंगे जितने लिखा है उसको समझ लेंगे, फिर हम लोग प्रूव करेंगे इसको। सॉरी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। मतलब क्यों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, मतलब यूनिवर्स में हर जगह पे ये मान्य होगा और एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक ही बात है, एप्लीकेबल इंग्लिश वालों के लिए और मान हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। यहां पे लिखा है आपका इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में हर जगह यूनिवर्सल है। ठीक है, विद अ फोर्स, फोर्स कहां है आपका ये देखिए। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब दो बॉडी होंगी, एक पार्टिकल पहला वाला होगा और दूसरा पार्टिकल दूसरा वाला, तो दोनों का अलग अलग मास हो सकता है, सेम मास हो सकता है, या फिर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, छोटा बड़ा इक्वल। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच, दोनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगी उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये अपॉन में लिखा है, क्योंकि जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो न्यूमरेटर में आती है और जो इनवर्सली वो अपॉन में आती है। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट के क्या इक्वेशन बनी, हमारा ये फॉर्मूला बना, F यानी कि वो फोर्स आपका A इक्वल टू G, G क्या है, G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट कैसे आएगी, मास को हम डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये होगी जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, एम पहले का मास हो सकता है और एम दूसरे का, एम वन एम टू भी लिखते हैं कुछ लोग, डी की जगह आर भी लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस आप बीच में आर ले लीजिए, डी ले लीजिए और मास एम वन एम टू ले लीजिए या कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। न्यूटन ने यह बताया कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो डिफरेंट मास के हो, सेम मास के हो, किसी भी तरह के हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो एफ हम लोगों ने निकाला था वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स था वो। एफ, वो एफ जो था उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखिए दो ऑब्जेक्ट, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक है ये, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसका मास हमने क्या मान लिया, कैपिटल एम या एम वन जो भी आप मान सकते हैं, और इसका हमने मास मान लिया स्मॉल एम क्योंकि ये छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी, माना दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी मान लिया। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या कहा कि ये बॉडी इस पे एक फोर्स लगाएगी और इस पे एक फोर्स लगाएगी, अब वो फोर्स इक्वल होगा, मतलब एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पे ये होंगे, मतलब इससे इस पे लगाया गया फोर्स इक्वल होगा किससे, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स के। ठीक है,
तो दोनों फोर्स आपके इक्वल होंगे, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। और ये फोर्स लगेगा कैसे, इस लाइन के अलोंग लगेगा, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है। स्ट्रेट लाइन होगी, दो स्ट्रेट लाइन होगी, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो वो हमारा फोर्स किसके होगा, अलोंग द लाइन होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो ये कभी, मतलब ये बात हमेशा सच होगी, यूनिवर्सल जो भी चीजें होती है वो फैक्ट होती है हमेशा, और यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल लॉ है, तो ये पूरे यूनिवर्स पे एक मतलब एक तरह से ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि दोनों बॉडी एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगी, कैसे, एक्शन रिएक्शन की वजह से। और दोनों बॉडी क्या होंगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था, तो उसमें क्या था, एक्शन रिएक्शन था, वही एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी ये दोनों बॉडी, ठीक है। अब देखिए, ये जो फोर्स होगा वो क्या, उसके लिए क्या बताया था, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। तो मासेस का प्रोडक्ट m इंटू m हो गया, स्मॉल m कैपिटल m, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसे ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है, m इंटू m हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये क्या है, जो F है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो F है ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपका, ठीक है, और ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन। तो जब अपॉन में लिखा होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस जो उनकी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमें चाहिए होगा एक कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कांस्टेंट कौन सा होगा, वो कांस्टेंट होगा जी, कैपिटल जी। तो अब क्या बना हमारा, एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट आ गया, प्रूव हो गया, बस इतना ही है। आप चाहे लाइन बाय लाइन करिए, पहले m इंटू m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दीजिए और फिर 1 अपॉन d की स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा के दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन साथ में लाके कंबाइन करके फिर दिखाइए, या फिर ऐसे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट होगा वो सेम ही रहेगा, कौन सा, न्यूटन, ठीक है, वही रहेगा। यहां से आपको मिलता है जी, जी की मैंने वैल्यू बताई 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यूनिट कैसे आएगी, जी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी, जी इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, सॉरी मास एम इंटू एम। तो डी की यूनिट क्या होगी, मान लीजिए मीटर स्क्वायर होगी, न्यूटन होगी, और नीचे दोनों मास कितने में होंगे, केजी में होंगे। तो जी की यूनिट ऑफ जी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये जी क्या है, जी आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये जी आपका, जिसकी वैल्यू ये है, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो एक बात आपको समझ में आई कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जी की पूरे यूनिवर्स में एक जगह होगी। जैसे जो ग्रेविटी जी, स्मॉल जी होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, हमारे अर्थ पे कुछ और, मून पे कुछ और, तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, जी की वैल्यू चेंज होती है, पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम ही रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या देखा, कि
जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों तरफ से, ठीक है, इक्वल और अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर है क्योंकि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और ये फोर्स अलोंग द लाइन लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, जिस लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे को, उसके अलोंग होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना कि फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में जाना हमने, ठीक है। अब एक और बात कि जैसे ये फोर्स लग रहा है तो आप कहेंगे कि जैसे अर्थ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक पर्सन है उसका भी कुछ मास होगा, ठीक है, तो वो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता दूसरे को, या फिर एक पर्सन ना लेके कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि दो बॉल्स रखी हैं, तो उस पे क्यों नहीं जो वो एक दूसरे की तरफ, मतलब अगर मान लीजिए एक बॉल ये है एक बॉल ये है अर्थ पे, तो ये अट्रैक्ट होकर अपनी तरफ चलने क्यों नहीं लगती एक दूसरे की तरफ, लगना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे जो हमारे रेगुलर लाइफ में या अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो साइज उनका क्या है, काफी छोटा है, मतलब इसका जो मास कहेंगे वो नेग्लिजिबल है, काफी कम है, फोर्स ये तब भी लगाता है, यहां पे भी एफ की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, लेकिन इतना कम फोर्स होता है, इतना कम फोर्स होता है कि वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स लगता है, लेकिन मूव करने के लिए मोशन के लिए उतना फोर्स नहीं लगता उस पर। हमारा ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मेनली आप कहेंगे कि जो कहां लगता है, कहां पे जो है ये एप्लीकेबल कायदे से, मतलब आप देख सकते हैं या फिर कहां पे यूज हो सकता है, तो देखिए जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारा स्टार है, हमारा मून है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगता है जिसको हम वैल्यू में काउंट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इनके बीच लगेगा। अर्थ पे जितने सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका मास बहुत कम है इसलिए हम नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन जैसे यूनिवर्स में जितने भी जैसे मून है प्लैनेट्स हैं, तो एक प्लैनेट दूसरे पे, स्टार दूसरे पे क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ठीक है, वहां पे एप्लीकेबल होता है क्योंकि वहां पे मासेस बहुत ज्यादा होते हैं उन बॉडीज के, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और पिछले वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक फॉर वॉचिंग।